अच्छा, जिसका हो गया है कोई बात नहीं। आप पहले कि दोनों सेक्शन को हम लोग को करना है ना, यहाँ पर 3D और 3 दोनों जुड़ा हुआ है, तो 3D में हम अभी नहीं करवाए। ओके, तो 3 वालों का हो गया है, तो थोड़ा सा देखिए दोनों को कर लेंगे, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। पहले इसको समझिए, जो 3D वाले हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट इन स्कूल, हाउ मेनी पॉइंट इन स्कूल, 2000। ओके, तो 2000 है, तो पहले हम 1, 10, 100 और 1000 लिखते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए समझते जाइए, कुल नंबर्स ऑफ द बॉय इन स्कूल 2000 है। अब नेक्स्ट लिखते हैं नंबर्स ऑफ द गर्ल्स, नंबर्स ऑफ गर्ल्स स्कूल इक्वल टू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द गर्ल्स 2520 गर्ल्स। ओके, हाँ, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 2000। ठीक है, हम बड़ा लिखते हैं 2000। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग को ऐड करना होगा, प्लस करना होगा, टोटल निकल जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, 2, 5 और 4, 4520। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्कूल प्लांटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 4520। सबको दिखाई दे रहा है, देखिए फिर से पढ़ दे रहे, देखिए नंबर है एनीवेयर, नंबर ऑफ द बॉय इन स्कूल हाउ मेनी 2000। चलिए अब तो क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कुछ बोर्ड, यस। चलिए अब बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्कूल प्लांटेड, देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम आप लोग बनाइएगा, तो सबसे पहले उसको एक बार पढ़िएगा, अगर 2 बार भी समझ में नहीं आया तो 3 बार पढ़िएगा। ठीक है, जब समझ में आ जाएगा तो इजिली आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ए स्कूल प्लांटेड 1999 ट्री इन 1 ईयर, 2770 ट्री इन द नेक्स्ट ईयर, तो हाउ मेनी ट्रीज
वेयर प्लेंटेड इन टू ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं इन फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट ईयर है ना, नंबर ऑफ थ्री बनाते थ्री बनाते ठीक है। हाउ मेनी प्लांटेड, पहले वर्ष में कितना प्लांटेड किया गया, 1,990। नेक्स्ट ईयर में 2,720 इन द सेकेंड ईयर है 2,770 तो आपको दो साल में कितना ट्री लगाया, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 9 टोटल ट्री प्लांटेड, हाउ मेनी प्लांटेड, यस राइट। आपको सेंड करके भेजे थे, फिर से अगेन सेंड योर आंसर प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ, 4,769। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड, अब आप लोग कैसे बोल रहे हैं बताइए, अब तो बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। यस राइट राइट, अब बोर्ड क्यों क्लियर दिखाई दे रहा है, हम भी देख रहे हैं यहां से, ठीक है। चलिए 1 और 2 यदि आप लोग कॉपी कर चुके हैं, हम इसको इरेज करेंगे। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, 3E वाले, सॉरी 3D वाले, ठीक है। ओके हो गया है, चलिए 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में है, चलिए हो गया है तो हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है, आप लोग ऐसे मत बोलिए, ठीक है, बोर्ड क्लियर है, देखिए यहां क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन 3, देयर आर 2,958 मेंस, हाउ मेनी मेंस, मेंस में आदमी, नंबर ऑफ मेन इन टाउन, हाउ मेनी मेंस 2,958, यहां पर क्या है, 1 and 10 है आपका 2,596,
In town, how many units? 1,590. The next है numbers of children. The numbers of children in town. How many children? आपको 3,100 आपको निकालना है कि टोटल टाउन में कितने करना कि टाउन में कितने व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन. टोटल को क्या करना है, ऐड करना. तो ऐड टोटल पॉपुलेशन ऐड करेंगे. एंड हो रहा है सब से टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, टोटल पॉपुलेशन कितना होगा. हाँ बिल्कुल राइट, वन मीन्स आर का राइट है. 8,656 होगा, राइट है. 8,656 होगा. सोनू कुछ नहीं आंसर दे रहा है. सोनू 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 को नहीं आता है क्या? चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का एक्सरसाइज का. नेक्स्ट लास्ट लास्ट है इन लाइब्रेरी. फोर्थ क्वेश्चन यही है, इन लाइब्रेरी कोई लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं? 2,585 इंग्लिश के बुक है. और लिखिए यहाँ पर, देखिए कभी भी आप लोग वर्ड्स फॉर्म बनाते समय आप पहले पैर नहीं चले, पहले लिखना रहता है हाउ मेनी टाउन से, तभी वो एग्जैक्ट सही होगा. ठीक है, आप अभी आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ बना रहे हैं. क्वेश्चन 4 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. हाउ मेनी 2,585 नंबर्स ऑफ स्टोरी बुक, हिंदी बुक. आप 5,500 ओके. और नेक्स्ट है आपको कॉमिक्स बुक है, नंबर ऑफ कॉमिक्स, कॉमिक्स बुक. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉमिक बुक्स? 1,200. तो टोटल बुक कितने हो गए? हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल? तो टोटल बुक
नंबर ऑफ टोटल बुक। अब बताइए इसमें हम लोग ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? सेंड योर आंसर। व्हाट वी डन, वी ऐड आवर, यस राइट, इट वाज कमा। हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी का आंसर चाहिए। हम जो ऐसा पूछ रहे हैं कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं, यस राइट, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे यस 9,300, यस राइट, सेंड योर आंसर 9,345। हाँ यही होगा। इस तरह से आपका वह वर्ड्स प्रॉब्लम इज कंप्लीट हो चुका है, वर्सेट 5 कंप्लीट हो गया। और अब दोनों क्लासेस में जो है सो वर्ड्स प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग अब नेक्स्ट जो बनाइएगा 25 पेज पर है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वही होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क रूट वैल्यू बेस्ड ऑफ पेज 25, ठीक है? आप यहां से होमवर्क लिख लीजिए सब लोग, तुम लोग सब लोग होमवर्क लिखो, वैल्यू पेज और पेज 25, दोनों क्लास के लिए सेम होमवर्क हो गया। यस डू वैल्यू बेस्ड ऑफ पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पर वैल्यू बेस्ड आप लोग को बनाना है, कल्पना के लाओगे। कल हम सबका कॉपी देखेंगे, आप जो है ना के लाइएगा टू वैल्यू बेस्ड ऑफ पेज नंबर 25। Fine.